सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। नगर निकाय चुनाव 2018 अपने उफान पर है। चुनावी समर में हर दल कूद पड़े हैं और अब देखना ये है कि इस एक सप्ताह के अंदर ही मतदान होंगे और ये उफान इस ऊंचाई को छुएगा। लेकिन सबके बीच समस्याओं के निराकरण और इन तमाम सामाजिक मुद्दों को हम छूने का कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज में जटिल हो चुके हैं। इन्हीं का जवाब ढूंढने हम आज पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश वर्मा के घर। अविनाश जी, कहीं ना कहीं आप भी डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार बनने की कहीं ना कहीं आपकी भी आकांक्षा थी कि विकल्प के तौर पर पेश हो। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से कैपिटल न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, जहां हम लोग आपके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अवसर मिलता है और आपका चैनल निश्चित तौर पर तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर। जहां तक चुनाव की बात है और मेरे प्रत्याशी होने की बात है, निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी मेयर पद के लिए मैं स्वयं उम्मीदवारी के लिए मैंने आवेदन किया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से या सोशल इंजीनियरिंग के कारण हमारा चयन नहीं हुआ। बावजूद इसके जिन लोगों का भी चयन हुआ है, मैं पूरे तन मन धन से उस प्रत्याशी को के लिए और भारतीय जनता पार्टी और ये जो तीसरी सरकार कही जा रही है निगम की सरकार, निगम का चुनाव, मैं उसमें लगा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और यहाँ पर भी निगम में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूपेण सरकार बनेगी, जैसा केंद्र में है जिस प्रकार राज्य में है। इसकी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर कई ऐसे बड़े मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं पलामू में एक एंटी भाजपा मूवमेंट की बात चल रही थी, लेकिन चुनाव आते ही अब उन चीज़ों को बांटा जा रहा है अपने वादों से, अपने इरादों से, या क्या समझते हैं? नहीं नहीं, देखिए एंटी भाजपा का जहाँ तक मामला है, जब बाढ़ का पानी आता है ना तो सभी सांप बिच्छू एक जगह आके जमा हो जाते हैं कि उन्हें बहने का डर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में, हो सकता है बावजूद इसके कुछ कमियां हैं, कुछ लोग हैं जो भाजपा को बदनाम करते हैं, या सरकार में कुछ लोग हैं जिनके कार्यों से आम लोग या सरकार के लोग खुश नहीं है, हो सकता है, लेकिन जब इतना बड़ा परिवार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इतनी भारी बहुमत से दिल्ली की सरकार, भारी बहुमत से प्रदेश की सरकार का जब निर्माण होता है, तो जाहिर है कुछ लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं अगर अधूरी रह जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे दल में कहीं से कुछ है। अगर कुछ है तो विपक्षियों के पास है, लेकिन दुर्भाग है कि 1952 के बाद आज की जो सरकार है, पहली दफ़ा है कि विपक्ष कहीं पर नहीं है और इसलिए विपरीत धारा के लोगों को भी आकर के मोदी जी का विरोध करना पड़ रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि चलिए इसी बहाने ही सही, हाथी साइकिल कहीं कंघी लालटेन एक तो हो गए। कहीं ना कहीं सरकार के रवैये को देखो, दोहरी नियोजन नीति है जिसका कहीं ना कहीं आपने विरोध भी किया था, यहाँ तक कि आपने अब जो पद था वो भी छोड़ने की बात की थी। खास महल की बात करें, होल्डिंग टैक्स की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, CNT SPT एक्ट की बात करें, पेयजल की बात करें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पीछे भी है, लेकिन कितने कार्यकर्ता आज डेट में लगता है कि नहीं वो ताकतवर हुए। आपका ये प्रश्न इस बात का प्रतीक है कि यही तीन चार चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई है, बाकी सभी चीज़ों में आगे। अब ये जो तीन चार चीज़ें हैं, आप अगर दोहरी निजी नीति की बात करिए, हमने पार्टी में रह करके अपनी बातों को कहा, हमने सर्वदलीय मंच बनाया, उसके तहत कई आंदोलन कार्यक्रम हुए और जब मुझे आश्वस्त किया गया अपने अंदरूनी सोर्सेस के माध्यम से, तो हमने उस आंदोलन को हमने रोका और आज परिणाम आपके सामने है। कमेटी बन गई, जांच रिपोर्ट आ गया और एज इट इज जो पूर्व में था वो आपका काम हो गया। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीपुर को देखिए, जैसा मॉडल सिटी बनाना आप सोच रहे हैं, उस सोच के साथ आप डिप्टी मेयर के लिए बनना चाह रहे थे,
क्या लगता है कि क्या खास करने की जरूरत है, कैसे काम करने की जरूरत है जो भी उम्मीदवार आते हैं? देखिए लक्की जी, देखिए डिप्टी मेयर वाला मामला तो खत्म हो गया, अब कोई मामला नहीं है। कहीं ना कहीं एक सोच है, अविनाश खन्ना की सोच है, सामाजिक सोच है, कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने का, और ये जज्बात ही है जो आपकी सक्रियता दिखाते हैं, इसलिए ये सवाल तोड़ते हैं। कहीं कहीं आप तो एक आपके सपनों के में एक मॉडल मेन नगर पर होगा निश्चित तौर पर। अब हम लोग मेन कैबिनेट में न रहेंगे बात अलग है, लेकिन कैबिनेट से बाहर रह करके जो बन सकता है मेयर को, डिप्टी मेयर को, अपने वार्ड कमिश्नर को के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, एक पार्टी के समर्पित और छोटे ही एक कार्यकर्ता के नाते जो भी बन सकता है, मैं अपना सलाह तो दे सकते हैं, अपने विचारों को तो मैं रख सकता हूँ। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर एक व्यक्ति अधिकृत है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, हम उसके माध्यम से अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। करना ना करना जो आएंगे उन पर डिपेंड जरूर करता है, लेकिन एक सरकार, एक सत्ताधारी दल का जब कोई कार्यक्रम, कोई संगठन, कोई संस्था अगर वहाँ पर क्रिएट होता है, मुझे लगता है कि ये विकास तेज़ी से होगा। और मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पर अगर मेदिनीनगर की जनता अगर यहाँ पर चूक करती है, जात पर, पात पर अगर भटकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नगर निगम का हाल उसी तरह से हो जाएगा जिस प्रकार से आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार का है। जी ये बातें हैं और यही शायद बेबाकी है जिसे अविनाश वर्मा पसंद किए जाते हैं। अविनाश जी, कहीं ना कहीं लगता है कल पूरा पलामू मनमाहा था, चार मासूम की मौत, एक छोटी सी लापरवाही, किसको मानते हैं, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिले के स्वास्थ्य मंत्री धर्मदार तो भारतीय जनता पार्टी पे आ जाता है, निश्चित तौर पर आएगा, आपका कहना लाजमी है। और मैं इसलिए इन चीज़ों को स्वीकार करता हूँ लक्की जी, कि मैंने भी 12 साल पत्रकारिता में अपना जीवन व्यतीत किया है, और हम उन चीज़ों से मुकर नहीं सकते। कल की घटना बहुत दुखद है और हमने शोक भी प्रकट किया है, और अब जहाँ तक इसके लिए जिम्मेवार कौन से लोग हैं, तो निश्चित तौर पर ये जांच का भी विषय है, और नैतिकता के नाम पर जिम्मेवार लेने वालों की संख्या लगन है, ख़त्म है जी, इसलिए मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेवार जरूर है। अगर आपके प्रयास से किसी क्षेत्र में अगर चापाकल लगता है, अगर ट्रांसफार्मर लगता है, तो फीता काट के, नारी फोड़ के, विज्ञप्ति रिलीज करके आप जैसे लोगों को बुला के उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो इतनी बड़ी घटना के लिए भी तो कोई जिम्मेवार होगा जी, निश्चित तौर पर। लेकिन कौन होगा ये जांच का विषय है, ये दुखद है, और मेरा आपसे ये भी आग्रह है आपके माध्यम से, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन और ये कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा कि कल के दिन अन्य प्रकार की दवाइयाँ हम लोग के स्कूलों में भी, अभी हमने मेलिटाजोल की दवाइयाँ हमने दो राउंड हमने चलाया है, हम लोग के जिले के प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग हमको विशेष आग्रह करके अपने बैठकों में बुलाते थे, और दवाइयाँ हैं, पोलियो की दवाइयाँ हैं, तो ये हम लोग देते थे, अब तो जाहिर है कि थोड़ा सा डर आ गया, तो इसको थोड़ा सा काउंसलिंग के माध्यम से, जो तमाम स्वास्थ्य की योजनाएँ हैं उन योजनाओं पर सीधा असर पड़ा है निश्चित तौर पर। शहरी क्षेत्रों में तो शायद समझाया जा सकता है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो निश्चित निश्चित ये घटना बहुत दुखद है, और मैं तो समझता हूँ कि इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उनको तो इसका परिणाम भुगतना चाहिए, भुगतना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी के ये दर्द वही समझ सकता है जिसके घर से चिराग घुसते हैं। चिराग और कहीं ना कहीं पूछा है तो पलामू मनमाहा के लिए आक्रोशित भी है, लेकिन एक बात है, आनंद शंकर जी की अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ी मित्रता है पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आपने काफ़ी समय दिया है। आनंद शंकर को टिकट मिलने के बाद बहुत सारे अफवाहें थी, बहुत सारे, आप किस रूप में देखते हैं आनंद शंकर, अविनाश शंकर की जोड़ी को, और मंगल सिंह को डिप्टी मेयर में, आप किस रूप में आप देखते हैं, खासकर हम आनंद जी के बारे में समझना चाहेंगे। नहीं नहीं, आप कारगर होगा, आप तीनों जी के बारे में समझ लीजिए। हाँ, पहली बात आनंद जी के बारे में सुन लीजिए कि आनंद जी को टिकट नहीं मिला है, टिकट मिला है भाजपा की नेत्री रह चुकी अरुणा शंकर जी को, आनंद जी उनके पति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और 2 सितंबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, वो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके सामने जमा हुए, और 6 अगस्त 2014 को हम लोगों ने बोकारो में सदस्यता ली। जाहिर है हम लोग के संबंध काफ़ी पुराने हैं, 25-30 वर्षों का संबंध है चैम्बर के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर भी। आप जिन बातों की ओर हमको ले जाना चाहते हैं, हम स्वतः वहाँ चले जा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत विरोध नाराजगी सब जगह है,
सिंपल सा बात है, नहीं ये सही, ये राजनीति है या होगा। आप आज आप अपना चैनल के आप हेड है, मेरा अगर बीट अच्छा था बीजेपी का, आप हमको हटा के राजद में डाल दीजिएगा, हमको लगेगा कि यार यार हमको वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ लोग मेरे जान पहचान करते हैं, हमको भाजपा में छोड़ देते हैं, ये होता है, ये कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, डैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या है, सारे लोग जितने उम्मीदवार थे या जितने वरिष्ठ नेता हैं, आज तमाम लोग ताल से ताल मिला करके कार्यालय में आ रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में हैं और बूथ के वो प्रभारी बने हैं। ये छोटी बात नहीं है। आज प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के, आज वो लोग बूथ के प्रभारी हैं। तो ये हम इसको कैसे दें। जहाँ तक आप ड्यूटी मेयर की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी मेयर पर एक बहुत ही ऊर्जावान युवा और पुराने नहीं, भाजपा शुरू ही जब से उनको होश आया तब से भाजपा में, मंगल सिंह हमारे छोटे भाई है मंगल। तो ये स्थिति है और पूरे पूरे सीन को अगर आप देखिएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। आप उठा के देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कोई उनका नहीं है। लेकिन 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 अरुणा सर के नाम में तो चर्चाएं आप होते हैं कि वो कितनी मजबूत साबित होंगी। नहीं नहीं, चूंकि आप जैसे जैसे लक्की जी समय गुजर रहा है, इन लोगों को एहसास भी हो रहा है और आपको भी होगा कि पार्टी ने सही निर्णय लिया था। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का हुजूम और जितनी प्रतिस्पर्धा है उसमें भी हमको उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके हम नहीं चल सकते हैं। अभी आप देखें, अभी सारे लोग यहाँ पर आए थे, सारे लोग कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो दी जा रही हैं, जो लोगों का हुजूम चल रहा है, तो ये आई थिंक ये शुभ संकेत है। और लेकिन इस राजनीति को, इस चुनाव को पत्रकारिता से और राजनीति में आने के बाद, पत्रकारिता भी और शिक्षा विभाग से अभी जुड़े हुए, लेकिन पत्रकार एक पत्रकार होने के हिस्से से और एक राजनीतिक होने के हिस्से से दोनों में क्या लगता है कि जनता को क्या करना चाहिए। देखिए शिक्षा, अविनाश वर्मा जिस अविनाश का विभाग अंदाज के लिए जाना जाता है, वो विभाग ही मुझे चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ हो सकता है बहुत लोग उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके एक लाइन है, मैंने पढ़ा था, मैं हिंदू तो मुसलमान, मैं भी परेशान तू भी परेशान, मेरे भी बच्चे भूखे तेरे भी बच्चे भूखे, लेकिन मंदिर आलीशान और मस्जिद भी आलीशान। काफ़ी शायद इन बातों पर गौर फरमा लीजिएगा, मैं हिंदू तू मुसलमान और बाकी सब तो रंग चुनावी रंग हैं जो दिख जाएंगे 20 अप्रैल, शायद कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे लोगों से हम इस चुनावी समय में बात कराएंगे। नमस्कार।